रुक करते हैं देवास की ओर, जहां देवास में लगातार बारिश से सड़कें खस्ता हाल हो गई। डामर की जगह अब गड्ढे और कीचड़ ही बचा है। लोगों का सड़कों से वाहन निकालना मुश्किल हो गया है। गड्ढों के कारण हादसे भी हो रहे हैं और हटिया पिपलस से बाराखेड़ा सोमा 6 किलोमीटर मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गया है। सड़क तो बची ही नहीं, बारिश के कारण इन गड्ढों में पानी भर जाने से हादसे होते रहते हैं, तो वहीं राहगीरों के लिए सफर करना भी बेहद मुश्किल हो गया है। इस रोड से सीधे बारखेड़ा होते हुए करनावाद और वहां से सीधे नेशनल हाईवे लग जाता है। इस रूट से रोजाना कई स्कूली वाहन सहित अन्य बसें भी गुजरती हैं। हाट पिपला टप्पा मार्ग 13 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से बना था, तो वहीं साल 2015 में इसका गारंटी परफॉर्मेंस खत्म हो गया था। फिर भी साल 2018 में इसे 3 करोड़ की लागत से रिन्यूअल किया गया था, जिसका गारंटी परफॉर्मेंस 2021 तक है, लेकिन एक साल में ही रोड की हालत फिर खराब हो गई।